जय श्री कृष्ण। आओ भक्तों, नंद की विदाई की कथा आरंभ करें। जय श्री कृष्ण। तब में फिर दीप उठी मथुरा नगरी आज। शूरसेन से कम न था उग्रसेन का राज। नया राग लेकर बजी ब्रिजवंशी की तान। राजाज्ञा के नाम से जारी हुए विधान। मंदिरों धर्मशालाओं का उद्धार दोबारा हो जाए। चालू वह अन्न सत्र वाला भंडार दोबारा हो जाए। विधवाओं और अनाथों को गृह धंधा सिखलाया जाए। उनके हाथों का बना माल दूने पर बिकवाया जाए। मध्यम श्रेणी के कुल वाले तकलीफ नहीं धन की पाए। इसलिए कर लगा धनिकों पर उनको सहायता दी जाए। प्रत्येक वृद्ध अपने घर में बच्चों को दे दैनिक शिक्षा। अनिवार्य रहेगी युवकों में राजा द्वारा सैनिक शिक्षा। जागीरें जिनकी जब्त हुई वापिस उनको दी जाती हैं। जो सहायताएं बंद हुई वे फिर जारी की जाती हैं। जनता के शुभ चिंतक नेता जो बंद रहे बंदी घर में होंगे वे उच्च कर्मचारी। अब से संपूर्ण राज्य भर में गोकुल बरसाने वालों का सम्मान बढ़ाया जाता है। एक एक बिसाहर ग्वाले की जागीर बनाया जाता है। राजा के बाजू में बैठक अब से नंद राई की होगी। वृषभानु राव की भी पदवी पहले से अब ऊंची होगी। मधुकुकुर दशाहर वृष्ण अंधक संपूर्ण जाति वाले यादव हिजरत करके जो चले गए मथुरा के उजियाले यादव। वे वापस जाएं मथुरा में अधिकार बढ़ेंगे अब उनके। सम्मान बढ़ेंगे अब उनके, सत्कार बढ़ेंगे अब उनके। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि हो होता शासन संचालक है। भगवान भक्त के वश में है तो यह जनता का सेवक है। इन आज्ञाओं से हुई प्रजा प्रसन्न महान। धूम मची अनुभवी नृप होता है सज्ञान। कितने ही दिन बाद वह दिन आया सानंद। गोप कुमारों के सहित गोकुल जाए नंद। लाए थे दधि दूध के छकड़े जो गोपेश। रत्नों से भर दो उन्हें बोले यो मथुरेश। भेंटे नाना भेंट दे नृप वसुदेव समेत। मानो सर्वस दान को उमगार दैनिकेत।
छोड़ कहा श्री नंद राय, फिर भी आते जाते रहना, जैसे अब तक अपनाया है आगे भी अपनाते रहना। सचमुच उपकार मूर्त तुम हो, पर हित सब काज तुम्हारा है। मथुरापति तुम ही वास्तविक हो, यह मथुरा राज तुम्हारा है। इस प्रकार आदर सहित मंत्री गण के साथ द्वारे तक पहुंचा उन्हें लौटे मथुरा नाथ। श्याम और बलराम का था अजीब ही हाल, बस्ती के बाहर तलक आए दोनों लाल। पहले जिस वाटिका में ठहरे थे श्री नंद, उनके आगे जब बढ़े ब्रिज नंदन ब्रिज चंद, तब अपने श्री कृष्ण को बारंबार निहार। कुछ रुक कर नंद रायों बोले धैर्य विसार। अब तक मैं मुंह को सिए रहा, पर अब चुप रहा नहीं जाता। वाणी का द्वार बंद होना आत्मा से सहा नहीं जाता। यह सच है इस नश्वर जग में अति उच्च धर्म की गद्दी है, पर जहां धर्म की सीमा है वे जगह और भी ऊंची है। इस कारण कहता हूँ मन की यह नाता तोड़ नहीं सकता। तुम मुझे छोड़ने आए हो, मैं तुमको छोड़ नहीं सकता। गोपाल राई हो ना तुम ही तज जय हो, तुम ही छाण मधुबन मेरे मोहन, कहा जाई बिजले हो। कहो कहा जाई अशमत सो, जब सुम से उठ ऐहे, प्रात समय दधि मथत छाण के काहि कले उदे है। 11 वर्ष पुत्र हम माने, यह प्रताप बिनु जाने। अब वसुदेव सुवन हव प्रगटे, गर्ग वचन परमाने। कत हम लागी महारिप मारे, कत आपदा विनाशी। दारी नदियों के करते गिर, तब मरते ब्रिजवासी। वासर संग सखा सब लीने, तेर न धेनु चरे हो। क्यों रही है मम प्राण दरस बिनु, जब संध्या नहीं ए हो। अब तुम राज करो कौटिक जुग, मात पिता सुख दे हो। कब हुकताए मेरे मोहन, या मुख मोते के हो। रध स्वास चरण गति था कि नैनन नीर बहाई, सूर नंद बिछुड़े की वेदन मोसन कही न जाई। उमड़ उठा नंद राय में वात्सल्य अपार, बरसे हो कर शांत रस तब श्री नंद कुमार। ही नहीं सार जग का हे बाबा प्रेम कहता है, जो इसकी सीमा तक पहुंचा सर्वव्यापी बन जाता है। मिलता है प्रेम एक से, पर होता विस्तीर्ण अनेक में है। जो एक में वही अनेक में है, जो अनेक में वही एक में है। साकार दृष्टि से कहीं बड़ी है निराकार दुनिया बाबा। जो सूक्ष्म दर्श के प्रेमी है, वे रहते मगन सदा बाबा। फिर कैसा विरह ताप कैसा
सब जगे जब अपना प्यारा है। अपने में है अपना तो कब अपने से अपना न्यारा है। इस कारण अपने मोहन को अब से अंतर पट में देखो। जिसको यमुना के तट देखो उसको अब घट घट में देखो। इन वचनों के अमृत में खूब नहाए नंद। आंख खुली तो सामने था अपूर्व आनंद। कण कण में पत्ते पत्ते में ब्रज मोहन मुरली वाला था। प्रत्येक ग्वाल की सूरत में वह काली कमली वाला था। साकार रूप सम्मुख वाला अब निराकार के अंदर था। वह ही आँखों के बाहर था वह ही आँखों के भीतर था। मानो वह रूप कह रहा था यह नाता टूट नहीं सकता। तुम मुझसे छूट नहीं सकते मैं तुमसे छूट नहीं सकता। नंद प्राप्त करने लगे जब परिपूर्णानंद। बाल सखाओं से मिले सादर तब ब्रिज चंद। न मन सुखा करना यह ब्रज ग्वाला ग्वाला ही है। मथुरा का कुंवर नाम को है अब भी गोकुल वाला ही है। तुम मुझे सब समय पाओगे भैया कदम्ब की छाँव में। लीलाएं आँख मिचोनी की होंगी हर दिवस लताओं में। अब तक गोपाल कहाया हूँ अब भी गोपाल कहाँ होगा। तेरोगे जब तुम ध्यान लगा तो यमुना तट मिल जाऊंगा। गाना मत कभी विरह के पद ब्रज की ललता दी छोरियों में। जीवन भर को है बंधा कृष्ण उन सबकी प्रेम डोरियों में। मैया से मेरी कह देना तेरा ही कुंवर कन्हैया है। देव की मात मथुरा में है तू जग में मेरी मैया है। अब भी मैं तेरे ही हाथों माखन और मिश्री खाऊंगा। अब भी मैं तेरे ही हाथों उखल से हाथ बंधाऊंगा। इस बाल कृष्ण का बाल रूप उस आंगन ही में धाएगा। यह नंद नंदन जसुदा नंदन ब्रिज तज अनंत न जाएगा। कई कोस तक इस तरह देते रहे संदेश। चलते चलते यकायक फिर कह उठे ब्रजेश। राधा से कहना याद तुम्हें मन ही मन किया बिहारी ने। जब समय संदेशे का आया कुछ भी ना कहा बिहारी ने। गहरी सी एक श्वास लेकर आंखों को मूंदा और खोला। वह ब्रिज वाला मथुरा वाला श्री राधे राधे ही बोला। आगे बढ़कर कुछ और कहा अच्छा श्री जी तक जाना तुम। राधा मोहन राधा माधव बस इतनी टेर लगाना तुम। फिर कहा गगन पर रह कर भी रवि की रश्मियां भुवन में है। चंद्रानन नहीं भूमि पर है किरणें आंगन आंगन में है। क्यों ही है एक दिव्य झांकी जग के समस्त व्यवहारों में। बज रही है वंशी वाले की
लगी वंशी प्राणों के तारों में। और बढ़े जब इस तरह वे करुणा के ऐन, मित्र मन सुखा हंस पड़ा बोला ऐसे बैन। अजी सामने आ गया वह बरसाना ग्राम, अपने आप संदेश अब पहुंचा दो घनश्याम। इतनी दूर चला आया अचरज से बोले मनमोहन, मन सुखे नहीं जाएगा अब आगे को यह वसुदेव नंदन। दाऊ लो विदा और लौटो कब छुट सकते यह नाते हैं, बाबा आशीर्वाद दो अब हम दोनों वापिस जाते हैं। प्रकार जब फिर हुआ आशीर्वाद प्रणाम, तब आए मथुरा पुरी श्याम और बलराम। इधर गेह में नंद ने जो ही किया प्रवेश, तेरा जसुदा को तभी सुध न रही लवलेश। है मोहन की मैया वह मथुरा का मोहन निकला, जिसको समझा था नंद नंदन सचमुच वसुदेव नंदन निकला। क्या रखा नंद गांव में है अब है यह जंगल नंद रानी, नंद नंदन तुझे निरखना है तो मथुरा को चल नंद रानी। क्या कहते हो कह उठी नंद रानी तत्काल, आंगन में है खेलता मेरा तो गोपाल। वास्तव में हंस रही थी वहां सांवरी मूर्ति, यह कह कर कर रही थी वात्सल्य की मूर्ति। यशोदा नंदन रहेगा यशोदा ही के पास, ब्रिज का नंदन करेगा ब्रिज ही में निजवास। धरनी पर धन्य 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 ब्रिज धाम, बलिहारी इस पर अनंत के रवि शशि लोक तमाम। कुल वृंदावन गोवर्धन बरसाना नंद ग्राम, पंच रूप समझो विराट के यह प्रिय पांच मुकाम। कदम कदम पर कदम यहाँ है देते हैं आराम, कल्प वृक्ष लज्जित है इनकी सेवा लख निष्काम। सारिका मोर मरकट तक रटते हैं प्रिय नाम, इस कीर्तन पर मोहित हैं ऋक यजुर अथर्वण साम। यशोदा यमुना गौ माता का है यह देश ललाम, ब्रह्मा विष्णु करते हैं इसको सदा प्रणाम। नृपति परीक्षित ब्रिज बिहार है मन मृग का विश्राम, राज रहे हैं जहां निरंतर अपने राधे श्याम।